हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हो कि आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका, दैट इज की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सर्वे एंड कुशरा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटे से टॉपिक को हम बिल्कुल थोड़े से टाइम पे समझ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बिल्कुल ही, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेटा कलेक्शन टूल के तौर पर वी आर यूजिंग दी कुशराय, वी आर यूजिंग दी सर्वे। इन मेथड के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं अपना प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा दैट मीन्स कि फर्स्ट हैंड डेटा हम कलेक्ट करते हैं। बट ये जो सर्वे और कुशराय होते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। क्वेश्चनराय जो होता है, ये एक तरह से आपका प्री रिटन क्वेश्चंस का एक सेट होता है जो आप अपने रिस्पोंडेंट को देते हो। रिस्पोंडेंट उसमें अपना स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आप उसे क्रिएट करते हो, वो उसको रिटर्न देते हो और आप उसे अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रिएट करते हो। लेकिन सर्वे जो होता है, उस सर्वे में आप क्या करते हो, लाइक आपकी सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया और ग्रुप ऑफ पर्सन का जब आप एनालाइज करते हो, रिकॉर्ड करते हो, कलेक्ट करते हो, तो सर्वे में सारी चीजें आ गई, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, सारी चीजें वहां पर इंक्लूड हो जाती है। बट क्वेश्चनराय में एक सेट ऑफ क्वेश्चनराय ही आपका तैयार रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चनराय रहता है, ये एक तरह का डेटा टूल होता है, डेटा कलेक्शन टूल होता है। बट सर्वे जो रहता है, यहाँ पर ये मेथड होती है कलेक्शन की, डेटा कलेक्शन और एनालाइज डेटा की एक मेथड, एक तरह से हम कह सकते हैं ये मेथड होती है। जब देखा जाए तो आपका जो सर्वे होता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पर आप डेटा को कलेक्ट भी कर रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चनराय जो होती है, वो एक अपनी फास्ट प्रोसेस होती है जो तुरंत काम कर जाती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, सर्वे को, विद द टारगेट ऑडियंस इन माइंड। मतलब आपके माइंड में एक टारगेट ऑडियंस डिसाइडेड है, उसके बेसिस पर आप अपना सर्वे का जो मैटर है उसे आप डिजाइन करते हो। बट इन केस ऑफ क्वेश्चनराय, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या डिलीवर्ड कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट को। यहाँ पर आपका ऐसा कोई नहीं है कि लाइक मैं एक पहले से एक डिजाइन तैयार करके रखा हूँ, उसके बेसिस पर मैं सारे काम कर रहा हूँ, ऐसा वाला फंडा यहाँ पर आपका नहीं आएगा। नाउ जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्टली की बात की जाती है, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज दोनों ही एंडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ओपन और क्लोज दोनों ही क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। लेकिन जो हमारे क्वेश्चनराय होते हैं, ये क्वेश्चनराय मोस्ट ऑफ दी आपके क्लोज रहते हैं, है ना। क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, यू कैन ओनली चूज द वन। बट सर्वे में आपको क्लोज भी मिल सकते हैं और ओपन, यानी कि वाई इस तरह से करके आपको आंसर्स लिखने के लिए भी मिल सकता है। तो यही चीज आपकी है कि जो सर्वे होता है और क्वेश्चनराय जो होता है, ये सब्जेक्टिव होता है या टारगेटेड होता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनराय सिर्फ एक छोटा सा टूल होता है, लेकिन सर्वे एक पूरी प्रोसेस होती है जो आपके मार्केट रिसर्च में बेसिकली यूज की जाती है डेटा को कलेक्ट, रिकॉर्ड और एनालाइज करने के लिए। आई होप कि दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।